दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको मिले मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो वीडियो की शुरुआत से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो कार हमको प्रोवाइड हुई है, ये प्रोवाइड हुई है दोस्तों रिया ह्युंडई की तरफ से। और आप सभी को बता देना चाहूँगा कि i20 का एक काफ़ी लिमिटेड स्टॉक इनके पास अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो सीधे पहुंच जाइए रिया ह्युंडई में। आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। तो योगेश वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो भाई साहब आज अपने पास जो गाड़ी है आप देख सकते हैं, अपने पास नई i20 है। ये अभी इसका जो मैंने टेस्ट रिव्यूज़ गाड़ी का लिया है, गाड़ी का जो पूरा जो फ्रंट लुक है, गाड़ी का जो पूरी बॉडी है, जो इंटीरियर है, जो एक्सटीरियर है, वो कम्प्लीटली ही चेंज कर दिया गया है। इसके अंदर कहीं पर भी मतलब आप ये नहीं कह पाएंगे कि पुरानी i20 से रिलेटेड कुछ भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम गाड़ी के थोड़े फीचर्स से। तो गाड़ी के अगर फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इंजन के ऊपर आते हैं। इंजन जो गाड़ी का जो है वो है दोस्तों 1.5 U2। ये पर्टिकुलरली जो मैं मॉडल चला रहा हूँ ये है डीजल CRDI। पर्टिकुलरली ये मॉडल जो है ये है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आप देख सकते हैं गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये जो वेरियंट है ये है दोस्तों एस्टा ऑप्शनल, इसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भाई, गाड़ी तो आ गई अपनी कि नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, लॉन्च भी हो गई, अब मार्केट में भी आ गई है गाड़ी। अब गाड़ी की कीमत क्या है, तो बजट सस्ता है या महंगा है? तो इस गाड़ी का जो प्राइस है वो थोड़ा बढ़ गया है कंपेरेटिवली जो ओल्ड है, क्योंकि BS6 के नॉर्म्स जो आए उसकी वजह से सारी गाड़ियों का मोस्ट प्रोबेबली जितनी गाड़ी है उनका प्राइस बढ़ा है। इसका जो ये जो मॉडल है, जो पर्टिकुलरली ये वाला जो मॉडल है, ये कॉस्ट करेगा आपको समथिंग 11 लाख के समथिंग ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगा, जो कि एक हैचबैक के लिए काफ़ी कॉस्टली कह सकते हैं। लेकिन भाई जो फीचर्स ह्युंडई प्रोवाइड करवा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कंफर्ट है, सेफ्टी है, गाड़ी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। एक फ्रंट लुक की बात करते हैं तो फ्रंट लुक के अंदर आपको जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक फिनिश के टच के साथ देखने को मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्टर सेटअप भी देखने को मिलेगा, प्रोजेक्टर LED जो लैम्प है वो एक DRL है इसके अंदर। जो साइड इंडिकेटर्स हैं गाड़ी के वो प्रोजेक्टर सेटअप नहीं है, उसके अंदर आपको एक जो बल्ब होता है वही देखने को मिलेगा। नीचे आपके पास इसके जो गाड़ी के अंदर जो फॉग लैम्प दिए गए हैं वो वाइट लाइट नहीं वाले हैं, वो एक्चुअली येलो ही आते हैं। फॉग लैम्प येलो रहेंगे तो आपको बेस्ट विजिबिलिटी देंगे। गाड़ी की अगर हम थोड़े टायर साइज़ वगैरह की बात करते हैं, जो गाड़ी का जो टायर साइज़ है वो है दोस्तों 16 इंच के एलॉय व्हील्स हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के ORVMs है, ORVMs के ऊपर भी आपको स्वाइप डायनामिक इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं गाड़ी की बैक साइड की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। इनफैक्ट एक क्रोम लाइन है जो कि ऑल द वे पूरा जो पीछे का जो स्पेस है उसको कवर कर रही है। इनफैक्ट इसके अंदर भी आपको LED टचेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक Z शेप लाइट है, ह्युंडई की बैजिंग है, i20 है और एस्टा लिखा हुआ है। गाड़ी के अंदर आपको दोस्तों रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो ऑफकोर्स आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। पीछे रियर सेंसर्स भी हैं गाड़ी के अंदर, पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। और नीचे की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा बैक की साइड जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको एक लास्ट जो बम्पर है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ कुल मिला के जो ब्लैक टचेस इस कार को दिए गए हैं, पियानो ब्लैक फिनिश जो दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रही है इस गाड़ी के इस नए लुक के साथ। ऐसा नहीं कहेंगे कहीं पर भी ओल्ड वैसा है, पीछे का जो रियर डिफ्यूज़र भी कह दो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट के ऊपर हूँ और एज यू कैन सी 45 की स्पीड पे हम चल रहे हैं। गाड़ी के अंदर मैंने जो है क्रूज़ कंट्रोल अप्लाई किया हुआ है, तो नो डाउट क्रूज़ कंट्रोल है तो फिर क्रूज़ का मतलब ही है कि भाई आप आराम से क्रूज़ करो। 45 की स्पीड के ऊपर हम क्रूज़ कर रहे हैं गाड़ी के साथ। और कुछ फीचर्स जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो म्यूज़िक सिस्टम है गाड़ी का, इनफैक्ट मैं ऐसा बंदा हूँ जो म्यूज़िक सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा दीवाना है। और इस गाड़ी के जो स्पीकर्स हैं वो आपको कभी कहीं निराश नहीं करने वाले, क्योंकि इस कार के अंदर जो आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल रहा है वो बोस का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। हम बात करते हैं तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इस गाड़ी का, इंफोटेनमेंट सिस्टम के
क्या कहें, बहुत अच्छा हुंडई ने काम किया है। इसके अंदर कुछ फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो फीचर्स इसके अंदर हैं, वो फीचर्स हैं कुछ कि आपको जो गाड़ी के साथ जो ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिलती है, उसके अंदर आपको करीबन 50 फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। पर्टिकुलरली इस कार के साथ मैं आपको ब्लू लिंक के फीचर्स नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये जो कार है पर्टिकुलरली, दिस इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय अ पर्सन हु हैज़ बॉट दिस कार। बट राइट नाउ अभी तो ये जो कार है ये भी शोरूम में अवेलेबल है आप सभी के लिए। पर्टिकुलर इस कार की अगर हम बात करते हैं तो एसी जो है कार का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्ड एसी है कार के अंदर, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिलेंगे कार के अंदर। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे आप अपना जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। गाड़ी का जो MID है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जो क्रूज कंट्रोल है इस कार की, इस सेगमेंट के अंदर, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हैचबैक के अंदर और आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाए। तो भाई साहब क्या चाहिए, देखो ईजिली चल रही है। बाय द वे आपको कभी ऐसे स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटाना चाहिए। अगर हम और कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा। दो USB पोर्ट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। हैंडलिंग है, पर्टिकुलरली ये जो डीजल है इसका जो स्टीयरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली जो ओल्ड जो i20 जो थी उससे हैवी है। ये जो डीजल वर्जन है इसका, इन कंपनी ने जो लैग है इसको इम्प्रूव करने की बहुत कोशिश की है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग है कंपेरेटिवली ओल्ड i20 से बेहतर स्टीयरिंग है फील एंड फीडबैक के मामले में। और बात करेंगे स्टीयरिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो एर्गोनॉमिक्स है स्टीयरिंग के, आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देखिए नीचे इधर और अच्छे से होता, लेकिन मेरी पसंद के लिए अगर इसमें फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग होता तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कार का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक है कार का। ठीक है, हम अभी रियर सीट के अंदर हैं। सबसे पहले तो मैं गाड़ी की जो विंडोज़ है इसकी स्पीड दिखाना चाहूँगा आपको। ये जो गाड़ी के जो विंडो अप एंड डाउन की जो स्पीड है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो। काफ़ी अच्छी जो इसकी जो विंडो की जो स्पीड है अप एंड डाउन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करेंगे गाड़ी के सस्पेंशन की, तो जो गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है मैं आपको ऐसा कहूँगा कि अगर ये हायर स्पीड्स के ऊपर, बम्पीनेस तो नहीं है गाड़ी के अंदर, अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा कूदेगी नहीं, ज़्यादा उछलेगी नहीं गाड़ी। अब अगर हम पीछे रियर स्पेसिंग की बात करते हैं तो ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल है, तो आप आराम से, ये देखिए फर्स्ट क्लास, देखिए जैसे मैं बैठा हूँ ना, आप आराम से बैठ सकते हैं। और जो इसका जो स्पेस है, जो आगे जो नी रूम है जो, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो आगे जो भी जो ड्राइव कर रहे हैं हमारे, उनकी हाइट अराउंड 6 फीट के समथिंग होगी। मतलब 6 फीट मान लीजिए आपकी, 6 फीट एग्जैक्ट 6 फीट उनकी हाइट है, लेकिन फिर भी मेरे पास प्लेंटी ऑफ लेग स्पेस है। ये मतलब ऐसा कह सकता हूँ, ये देखो मेरे पास अभी मेरा पूरा हाथ ऐसा स्ट्रेट रह जाए मेरे पैर के बीच में, सीट के बीच में इतनी जगह है। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ऐसे बैठता हूँ अगर मैं स्ट्रेट, तो अंडर थाई सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा लैग करता है। बाकी नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा ही लैग है, अंडर थाई सपोर्ट जो है वो गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। अब पीछे की और अगर हम बात करते हैं, पीछे के जो हमारे जो डोर हैंडल्स हैं ये, जिससे आप अपना जो गेट वगैरह ये ओपन कर सकते हैं, ये भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे कई बार मेरे को एक्चुअली लगा था कि ये जैसे जो लॉक एंड अनलॉक करने वाला वो इतना ज़्यादा इसके साथ मिल जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन कहाँ है। और इसके अलावा पीछे की तरफ गाड़ी के अंदर i20 के अंदर आपको जो एंबिएंट लाइटिंग जो कंपनी देती है वो सिर्फ आगे वाले पैसेंजर्स के लिए ही है, पीछे के लिए आपके पास एंबिएंट लाइटिंग नहीं है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं, अगर पीछे की तरफ एंबिएंट लाइटिंग होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती। एटलीस्ट ये जो डोर ग्रैब हैंडल्स हैं जो डोर्स के, इसके अंदर अगर होती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। और अगर मैं कुछ बात करना चाहूँ आपसे तो बाकी जो कंफर्ट है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी का। रियर सीट कंफर्ट की गाड़ी की बात करें तो अभी जो गाड़ी है, मैंने इसको भी हमारे यहाँ पे एक जो लोकेशन है हम इसके अंदर ही गाड़ी को स्लोली ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहे, लेकिन पीछे की तरफ मैं बैठा भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये सिर्फ आपके शूट के लिए, आपको एक अच्छा आइडिया देने के लिए है कि भाई पीछे कितना स्पेस है। मैं 6 फिट 2 इंच का इंसान हूँ और फिर भी मेरे पास जो आप देख सकते हैं जो हेडरूम है वो बहुत अच्छा है, लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप की हाइट 6 फिट के अंदर है तब तो भाई साहब ये जो सीट है ना वो आपके लिए ही बनी है, और यहाँ पे आराम से आप 3 जने बैठ सकते हो नो डाउट। लेकिन अगर आपकी कहेंगे कि आपका जो वेट है वो 100 किलो प्लस है तो लोचे वाला सीन है, क्योंकि भाई साहब फिर तो 3 जने नहीं बैठ पाओगे। मेरे केस के अंदर मैं एक जना बैठा हूँ, यहाँ पे एक और जना बैठ सकता है। बीच के अंदर अगर आप किसी को बैठना चाहेंगे तो बीच में थोड़ा सा हम्प है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप
इजीली किसी छोटे बच्चे को फिट कर सकते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के पैर की तरफ। एंड करने से पहले इस गाड़ी के जितने भी जो मॉडल्स आपके पास आएंगे, जितनी उनकी जो प्राइसिंग होगी वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। बाकी इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया करना लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले कुछ ऐसे ही किसी ऐसे और वीडियो के अंदर। गाड़ी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन ऐसा है कि एक बार में अगर पसंद आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आएगा। जैसे मुझे ये कार जो है मुझे डिज़ाइन वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी।